क्या हुआ है? किसी ने कुछ कहा? कसं सांगू शेव तुला, मोदक बनवण्याचं किती टेंशन आलंय मला. काय टेंशन आहे तुला, तुला कसं सांगू मी. गौरीजी प्लीज हमें बताइए ना, क्या हुआ? तुला नाही सांगू शकत. मतलब कुछ तो हुआ है गौरीजी. बुआजी आणि फुफाजींनी या नॉनव्हेजच्याच गोष्टीवरून तुला आणि मला ब्लॅकमेल करायचा किती प्रयत्न केलाय. और अब शायद उन्होंने अपना निशाना अम्मा की तरफ मोड़ दिया. और आप चिंता मत कीजिए, अम्मा उनका निशाना उन्हीं की तरफ मोड़ देंगी, सब हैंडल कर लेंगी. वो काय करतील त्या? उन्हें बता देंगी साफ साफ कि इस घर से रिश्ता रखना है, तो इस सच्चाई को एक्सेप्ट कर. ये बोधक देखो ये कैसा लग रहा है, एकदम मोटा ताजा, बिल्कुल हमारी तरह है ना. ये मोदक ये तुमने बनाया है, एकदम खुश मिजाज, बिल्कुल तुम्हारी तरह. और ये देखो ये मोदक ना गरम मिजाज, बिल्कुल जौनपुर वाले की तरह. देख नहीं रहे हो हमें कितने काम है, तुम खुद क्यों नहीं आ जाती? देखिए भाभी सॉरी, मैं आपको परेशान नहीं करना चाहती हूँ, लेकिन अम्मा जी ने मुझे किचन में आने से मना किया है. हमें ना पता नहीं था कि अम्मा जी ने तुम्हें किचन में आने से मना कर दिया, इसलिए हमने तुम्हें डांट दिया. सॉरी. हाँ क्या भरत मिलाप हो रहा है देवरानी जेठानी में? वाह मुंबई भाई, आज तुम्हारे ये विचार सुनकर हमारा मन खुश हो गया. कहो जौनपुर वाली. अरे ओ जौनपुर वाली, अब ये अपनी मृगनयनी आंखों से निहारना बंद करो और जाओ हमारे लिए एक बढ़िया अदरक वाली चाय बना कर लाओ. जाओ. अम्मा जी प्लीज शुक्ल जी के लिए भी बना देना, उन्हें आपके हाथ की चाय बहुत पसंद है, वो अभी मुझसे कह रहे थे. जाने कौन सा जहर भर के आई है मुन्ना के मन में हमारे खिलाफ. हे भगवान, ये देखो सरदार ने रसोई का क्या हाल करके रखा है, एक काम इससे ढंग से नहीं होता. कहां कहां ध्यान दें, हमारी तो किस्मत ही खराब है. एक बहू काम कर नहीं सकती और दूसरा कोई काम ढंग से करती नहीं. जब गौरी तुम्हारी जिंदगी में नहीं थी तब तो तुम अपनी अम्मा की बात बिना बोले ही समझ जाते थे. हमें तुम्हें कभी कुछ बताने की जरूरत नहीं पड़ी, तुम अपनी अम्मा की आंखों को देखकर, उसकी सूरत को देखकर उसके दिल की बात पढ़ लेते थे. आज तुम्हें अपनी अम्मा को समझने के लिए गौरी की पैरवी, उसकी दलील की जरूरत पड़ी. पूछ सकते हैं ऐसा क्यों? दादी जी हाँ. ये मोदक की थाली कहाँ रखे? वहीं रख दो बेटा. हाँ. और ये फूल की थाली ले जाओ यहाँ. अच्छा. हाँ. देखो किसी चीज की कमी ना रहे. हाँ? जी दादी. हाँ. माता जी. हाँ. बताइए और क्या करना है? अरे वैसे तो सब हो गया जौनपुर वाली जी, बस मुन्ना की कमी है. बुला लो उसे, हम सब आरती कर लेते हैं. कहाँ है वो? बस दादी जी. अरे वाह वाह, ये लो जनपुर जी. वाह 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 वाह, अरे प्रभु भोलेनाथ, अरे वाह. अरे मुन्ना मेरे लाल, कितने सुंदर लग रहे हो तुम. नमस्ते तिवारी जी. कैसे ना शिव भैया, बहुत दिनों बाद आए हो. हाँ वो चाचा आजकल हमें यहाँ लेके नहीं आते, अकेले आ जाते हैं. तुम वैसे कुछ महीनों से नहीं आए थे, दो तीन दिनों में आ रहे हैं और आपके लिए दूध भी ले जाते हैं. वैसे आज आपको भेजा है क्या दूध लेने? नहीं नहीं, वो हम तो यहाँ से बस गुजर रहे थे तो सोचा आपसे मिल लें. खैर हम चलते हैं. हाँ नमस्ते. अरे शिव भैया रुक जाइए, मजनू चाचा आते ही होंगे, उनके साथ ही चले जाइएगा. नहीं नहीं, जरूरी काम है हमें, हम चलते हैं. नमस्ते तिवारी जी.
यानी फूफा जी की बात सही थी, चाचा यही है बनारस में। लेकिन ऐसा कैसे कर सकते हैं वो इतने दूर कैसे हो गए हमसे, कैसे पराया कर दिया हमें? तिवारी जी। अरे मंजू चाचा, शिव बाबू आए थे बाजार में, आपके बारे में पूछ रहे थे। क्या, कहाँ गया वो? कुछ काम के हिसाब से गए हैं, आते ही होंगे। आप जाते समय उन्हें साथ ले जाइएगा। वैसे कुछ परेशान दिख रहे थे, क्या हुआ, सब ठीक है ना चाचा? नहीं नहीं, सब ठीक है, धन्यवाद। अच्छा चाचा जी, दूध? चाचा कर दिया हमको पराया। शादी हमारे दिल को चोट, आप तो ऐसा नहीं थे चाचा। नहीं मुन्ना, वो हमें कुछ नहीं सुनना। लेकिन मुन्ना, मैं चाचा आपको जो कुछ भी कहना है घर चल के कहना। चलिए मुन्ना, चलिए मुन्ना, बात सुन मुन्ना। चलिए चाचा। जब अपने माता जी मुन्ना गौरी के रिश्ते को देखा, क्यों ना कैसे गौरी के साथ रिश्ता निभा रहा, वो बहुत शर्मिंदा हो। हमें अपने आप पर शर्मिंदगी महसूस हुई कि हम तो पति कहलाने के लायक ही नहीं। राधिका पाए बरत या भाई तर सनाई से कपड़े तो इथे घेऊन आला। दादा द्या कौन बरे राधिका, ते कपडे तू इथे ठेवून घेतलेस? आता आम्ही अनाथ आश्रमात जाऊन राहिलो, प्रत्येकाने आपापल्या घरनं काही ना काहीतरी आणले, म्हणजे दानशूरशन्याकडनं अनाथ आश्रमाला छोटे छोटे कपडे घे। अंजली बाईंनी मनात आणलं तर कुठं बी टॅक्सी पन्नास आवतील। मग मग तिला तुझी गाडी चालवून दाखवायला सांग। अगं एकदा काय पन्नास चालवतील? हो नाही बर का, उगाच काहीतरी बोलू नका। हे असं असते काकूबाईंच, बघितलंस? पन्नास तर राहू दे, एकदा चालवून दाखवू दे ती, लई झालं। चालते की मग, पैज लागली का? मग लागली पैज। असं काय बघताय आजा, कसला चिकना दिसतोय ना? हँडसम हँडसम कळलं, कसली किल्लर स्माईल आहे बघ की, असं वाटतंय काय जाऊन प्रपोजच करावं त्याला। मग काय नाही, कॅडबरी आणलेली ती घेतली मी, आणि हो मी काही बोलू शकत नव्हते त्यांना, कारण मला दिसत होत त्यांना हाताला इकडे लावलेलं सलाइनचे, ते यांना ते ब्लड चेक साठी केलं होतं, ते पट्टी होती ना ते दिली बघितली। उद्यापासून ताई तुझी बायको नसेल, म्हणजे ज्या नात्यामुळे आमच्या घराचा तुमच्या घराशी संबंध आला ते नातं उद्या ऑफिशियली संपून जाणार आहे।
म्हणजे आता आमचा तुमच्याशी काही संबंध नाही. मनसे, आमच्या घराचा तुमच्याशी संबंध संपो किंवा न संपो, पण आमच्या घराचा तुझ्याशी असलेला संबंध कायम राहणार.